गणतंत्र दिवस के मौके पर आज कहानी ऐसी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई। ये कहानी है महाराजा हनुमंत सिंह और उनकी प्रेमिका सुबेदा की। आज ही के दिन 26 जनवरी 1952 को इस प्रेम कहानी का अंत हो गया था। लेखक अयोध्या प्रसाद अपनी किताब द रॉयल ब्लू में लिखते हैं कि कैसे इस खूबसूरत प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। एक राजसी शादी में कलाकारों के बीच एक युवती ने गाना सुनाया और हनुमंत सिंह उनकी आवाज में खो गए। ये कोई और नहीं जुबेदा बानो थी। सुबेदा भी कोई आम नहीं, मुंबई के एक रिच बिजनेसमैन सर कासिम भाई मीठा और फैजी भाई की बेटी थी। इस एक मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे के हो गए थे।